गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारण और उसके उपाय सुझाव इस पर हम बात करेंगे। कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इस पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल रामटे के एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा आपके सामने ऑनलाइन लेक्चर देने जा रहा हूँ, जो भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारण इस पर मैं बात करूँगा। कृषि की उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि की उत्पादकशीलता बहुत कम है और इसके लिए उत्तरदायी जो कारणों का हम देखेंगे तो प्राकृतिक कारण नेचुरल कॉजेज हम इस पर बात करेंगे। नेचुरल कॉजेज प्राकृतिक कारण, इसमें पहला मुद्दा है वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन। भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर होने के कारण, जिसमें विशेष रूप से वर्षा पर, परंतु वर्षा निश्चित नहीं है, कभी न्यून और कभी अधिक होती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का एक जीवा कहा जाता है। भूमि रक्षण, भूमि क्षरण, लैंड इरोजन कहते हैं उसको, भूमि क्षरण शताब्दियों से निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि का ह्रास नियमित हो गया है। निरंतर क्षरण से उर्वरा शक्ति का ह्रास होते रहा तथा भारतीय भूमि की उत्पादकता बहुत कम हो गई है। तीसरा कारण प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलामिटीज। शीत ऋतु में कई बार शीतलहर हमारी फसलों को हानि पहुंचा देती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, आंधी तथा कीड़े मकोड़े, टिड्डी आदि भी कृषि को नुकसान पहुंचाती है। इस सभी बाधाओं का कृषि की उत्पादकता पर एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है। तकनीकी कारण, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज देखेंगे। उत्पादन की पुरानी तकनीक, ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आज भी अधिकांश किसान उत्पादन की पुरानी तकनीक, जैसे लकड़ी के हल, खुरपी को काम में ला रहे हैं, जबकि बाजार में आधुनिक इस्पात के हल, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, पानी के लिए डीजल पंप आदि उपलब्ध है। उत्तम बीज का अभाव, शॉर्टेज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, उत्तम बीज का अभाव। भारतीय किसान फसलों की बुआई के समय अच्छे बीज की और विशेष ध्यान नहीं देता है। प्रथम वह अच्छा बुरा सब प्रकार का बीज बोल देता है। अच्छे बीज की उपलब्धता नहीं होती है, वह महाजन से बीज खरीदता है जो उससे मूल्य अधिक लेकर भी खराब बीज देता है। भारत में अच्छे बीजों का अभाव है और किसान को उसका ज्ञान भी नहीं है। इसके कारण प्रति हेक्टर उत्पादकता का स्तर निम्न रहता है। अपर्याप्त सिंचाई सुझाव, इनएडिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। भारतीय कृषि अधिकांश मानसून पर निर्भर होती है और मानसून अक्सर अनियमित रहता है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, किंतु दुर्भाग्य है कि देश में आज भी सिंचाई के साधनों का घोर अभाव बना हुआ है। सिंचाई के साधनों के अभाव में आधुनिक ढंग से कृषि कार्य करना अत्यधिक कठिन होता है।
इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि की दशा सुधर नहीं सकी है। फसलों की असुरक्षा, इनसिक्योरिटीज ऑफ क्रॉप्स, फसलों की असुरक्षा, भारत में निम्न उत्पादकता का एक कारण फसलों की कीड़े मकोड़ों व रोगों से सुरक्षा न कर पाना भी है। कीड़े मकोड़ों व रोगों से सुरक्षा न कर पाना है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध संस्थान के अनुसार भारत में कुल खाद्यों का 16-20% भाग इन कीड़ों व रोगों से नष्ट हो जाता है। खाद की कमी, शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद का बहुत अधिक महत्व है, परंतु भारत के किसान उचित मात्रा में खाद का उपयोग नहीं करते हैं। गोबर की खाद जो बहुत उपयोगी व सस्ती है, उसका 60% भाग जला दिया जाता है। रासायनिक खाद महंगी होती है और काफी मात्रा में विदेशों से मंगवाना पड़ता है, इसलिए रासायनिक खाद पूरी मात्रा में भी नहीं मिलती है। संस्थागत कारण, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज अगर देखेंगे, भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के संस्थागत कारण निम्न प्रकार के हैं। भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन होना, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। भारत में उत्तराधिकारी नियमों के कारण भूमि का बंटवारा होते रहता है। इससे खेतों का आकार बहुत छोटा हो गया है। ये छोटे छोटे खेत एक स्थान पर न होकर अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस कारण आधुनिक यंत्रों द्वारा उन्नत कृषि नहीं की जा सकती है। दोषपूर्ण भू धारण प्रणाली, डिफेक्टिव टेन्यूअर सिस्टम, दोषपूर्ण भू धारण प्रणाली, ये भी एक कारण है। भारत में दोषपूर्ण भू धारण प्रणाली होने के कारण सरकार, भूस्वामी एवं जमींदार आदि ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए रुचि नहीं दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय कृषि आज भी पिछड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, किंतु फिर भी देश में बटाई फसल व काश्तकारी प्रथाएं आज भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। भारतीय कृषि की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। आर्थिक कारण, भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के आर्थिक कारण दिखाई देते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज दिखाई देते हैं, जिसमें भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता, भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता, इंडेबटनेस ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय कृषक ऋण के बोझ से लदे हुए हैं। महाजनों की शोषण नीति के कारण भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेते हैं, भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, कर्ज में डूबे रहता है, ऋण में जीवित व्यतीत करता है और ऋण में ही प्राण त्याग देता है। भारतीय कृषकों के सामने वित्तीय कठिनाइयां है और भूमि सुधार में पर्याप्त पूंजी लगाने में असमर्थ है। इसके कारण भी हमारी कृषि की उपज कम है। पूंजी का अभाव, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। भारत अर्धविकसित देश है, जहां भारत एक अर्धविकसित देश है, जहां प्रति आय कम है तथा भारतीय कृषि में प्रति हेक्टर व प्रति व्यक्ति उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, जिसकी वजह से भारतीय कृषक के पास पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं हो पाती है। बचत कम होने पर कृषक कृषि क्षेत्र में उत्तम साधनों का प्रयोग करने से असमर्थ रहता है। इसी कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता निम्न है तथा पिछड़ी हुई अवस्था में बनी हुई है।
दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था, दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था, डिफेक्टिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। भारत में कृषि वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित बाजार का अभाव रहा है। अपनी कृषि उत्पादित वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य पर इसलिए नहीं कर पाते। साख सुविधाओं का अभाव, साख सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का आज भी बहुत बड़ा अभाव बना हुआ है और कृषकों को अपनी वित्त पूर्ति के लिए गांव के महाजन एवं साहूकारों पर भी आज भी निर्भर रहना पड़ता है। गांव का साहूकार ऊंची ब्याज दरों तो वसूल करता ही है, परंतु साथ ही कृषकों के साथ साथ धोखाधड़ी करता है, धोखाधड़ी करते रहता है। एक बाजार जो कृषक साहूकार के चंगुल में फंस जाता है, उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत, बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉस्ट। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सिंचाई के लिए पानी दर, रासायनिक खाद्यों के मूल्य एवं भूमि कर में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत काफी अधिक हो गई है। उत्पादन लागत अधिक होने से बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत कम होने पर कृषि क्षेत्र में विनियोग नहीं हो पाता तथा विनियोग के अभाव में कृषि अविकसित हो जाती है। अदर फैक्टर, भारतीय कृषि की कम उत्पादकता होने के कारण अदर रीजन कॉजेस है, अदर कॉजेस है। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। भारत की लगभग 55% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, परंतु इस 55% कृषि जनसंख्या द्वारा कुल राष्ट्रीय आय का वर्तमान में केवल 18% भाग उत्पन्न किया जाता है। इसका कारण यह है कि कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित है। यह उत्पादकता कम होने का एक प्रमुख कारण है। धार्मिक एवं सामाजिक कारण, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज। भारतीय कृषक भाग्यवादी एवं अंधविश्वासी कहलाया जाता है। वह कृषि के विकास पर व्यय करने की अपेक्षा ब्याह, शादी, मृत्यु, भोज, सामाजिक रीति रिवाजों एवं त्योहारों पर अपनी क्षमता से भी अधिक खर्च करता है। इस प्रकार कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेसेस। कृषि की अवनति का एक प्रमुख कारण किसानों की शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता है, जिस कारण वे खेत में अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं, आए दिन बीमार रहते हैं। इस प्रकार कृषि उत्पादन निम्नता घट जाता है। तो इसी कृषि उत्पादकता में वृद्धि के हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम, हम इस पर भी बात करेंगे। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार के हैं। तकनीकी उपाय, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है, उसमें तकनीकी उपाय एवं संस्थागत उपाय। उसमें तकनीकी उपाय देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल मेथड्स देखेंगे, अधिक उत्पादन देने वाले बीज। भारत में अधिक उपज देने वाले बीजों का बीजारोपण 1965 से 66 से शुरू हुआ है। इससे भारतीय कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का एवं कपास के अधिक उपज देने वाले बीज तैयार करके इन्हें समुचित रूप से
कृषकों के मध्य वितरित करने तथा इनके उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना भी की जा चुकी है। राष्ट्रीय बीज नीति 18 जून 2002, राष्ट्रीय बीज नीति 2002 का अनुमोदन किया गया है। नई पौध प्रजातियों के विकास हेतु अनुसंधान को भी बढ़ावा देकर बीज क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए इस क्षेत्र में विनियोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बौद्धिक संपदा संरक्षण का पर्याप्त प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। उर्वरक का अधिक उपयोग, कृषि की उत्पादकता, मोर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों का अधिक उपयोग कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु खाद के उपयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है। पशुओं के गोबर को ईंधन की तरह उपयोग करने के लिए के बजाय खाद के रूप में उपयोग करने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कंपोस्ट खाद के निर्माण में वृद्धि हुई है, साथ ही रासायनिक खादों का प्रयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। और 2009-2010 से उर्वरकों का कुल उत्पादन 162 एवं आयात 95.5 लाख टन था। इसमें 2018-19 में काफी मात्रा में हाईएस्ट उत्पादन हो गया है। सिंचाई का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ इरिगेशंस, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक विस्तार किया गया है। नियोजन काल के दौरान भारत में अनेक छोटे बड़े सिंचाई योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें 1951 में 18% भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था हो पाती थी, तो अभी इसका प्रतिशत बढ़कर 50% हो गया है। देश में बहुउद्देशीय योजनाओं एवं कई प्रकार की सिंचित क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। पौध संरक्षण करना, प्लांट प्रोटेक्शन, फसलों को रोगों तथा कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसके हेतु 14 केंद्रीय फसल संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। कृषि विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, कृषि विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कुशल प्रशासन के हेतु हरित क्रांति में अनेक संस्थाएं स्थापित की गई है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, कृषि वित्त व्यवस्था के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम, उर्वरकों की पूर्ति के लिए उर्वरक निगम इत्यादि, कृषि सेवा केंद्र, तकनीकी व्यक्तियों में व्यावसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना भी लागू की गई है। इस योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर इसमें कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए कहा जाता है। बहुफसली कार्यक्रम, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न, बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन बढ़ाना होता है और इसके लिए कई प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिससे 3 फसलों को पैदा करने से संबंधित प्रयोग एवं प्रदर्शन किए जाते हैं। यांत्रिकीकरण, मैकेनाइजेशन, यांत्रिकीकरण, कृषि यंत्रों, ट्रैक्टरों तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयत्न किए जा रहे हैं। छोटे किसानों को सरकारी समितियों, सामुदायिक विकास खंडों तथा बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ती ब्याज पर पूंजी प्राप्त होती है। लगभग सभी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। वैज्ञानिक ढंग से कृषि करना, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर,
पंचवार्षिक योजनाओं में वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए बहुत अधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत फसलों, उनकी किस्मों का चुनाव, भूमि की तैयारी, फसल हेरफेर, बीज का चुनाव, खाद का उचित प्रयोग, सूखी खेती इत्यादि संबंधित बढ़िया कृषि विधियों को अपनाने के प्रयत्न किए गए हैं। कृषि भूमि का विकास करना। कई पंचवार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि भूमि के विकास के लिए काफी प्रयत्न किए जा रहे हैं। कृषि को समतल बनाने हेतु ढलान देने, कंटूर बनाने, सीढ़ीदार खेत बनाने तथा प्रबंध किए गए हैं। कृषि सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। पशुपालन में सुधार। कई पंचवार्षिक योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए आधार ग्राम योजना शुरू की गई है। पशुओं की बीमारी का इलाज करने के लिए चिकित्सालय भी खोले गए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण करना। कृषि क्षेत्र की बिजली उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई है। भूमि परीक्षण करना। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए भूमि परीक्षण का कार्यक्रम भी बनाया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टियों का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। इन परीक्षणों द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किस प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाए तथा कौन से बीज बोए जाए, इसके फलस्वरूप उचित फसलों का उत्पादन किया जा सके। कृषि अनुसंधान पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी फसलों को विकसित किया जा रहा है। टीवी रेडियो चैनलों द्वारा कृषकों को शिक्षित किया जा रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं और विशेषज्ञों की सलाह से किसान सेंटरों की शुरुआत की गई है। आए दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कई प्रकार की गाय की बीमारियों को दूर करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं सम्मिलित की है। तो इसके अंतर्गत कई प्रकार की एक कृषि को सहायता मिलती है या कृषि के उत्पाद निर्माण करने के लिए एक मदद होती है। संस्थागत उपाय, इंस्टीट्यूशनल मेथड देखेंगे तो फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, भूमि सुधार करना, साख संबंधी सुविधाओं में सुधार करना। तो फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, किसी भी देश की फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि दो कारणों से होती है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि से या तथा बहुफसली कृषि से, जिसमें एक ही क्षेत्र में एक ही वर्ष के दौरान एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। और भारतीय पंचवार्षिक योजनाओं के अंतर्गत दोनों उपायों द्वारा फसलों से अधीन कृषि विकास को पूरा किया जा रहा है। इसके तहत 38% की वृद्धि फसलों में हो चुकी है। भूमि सुधार करना। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने भूमि संबंधी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। खेती करने वाले काश्तकारों को भी भूमि का दायित्व काश्तकार को अधिकार प्राप्त हो गए हैं। काश्तकारी प्रथा में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों ने कानून भी पास किए गए हैं। भूमि की जोतों पर उत्तम सीमा निर्धारित की गई है। बड़े क्षेत्र की भूमि की चकबंदी कर दी गई है। सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साख संबंधी सुविधाओं में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटीज। तो कृषि विकास के लिए सरकार ने साख सुविधाओं के विस्तार के लिए कई उपाय किए हैं और ताकि किसानों को कम ब्याज पर उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल जाए। सरकारी साख समितियां, भूमि विकास बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, किसान सेवा समितियों की स्थापना भी की जा चुकी है। कृषि वित्त संबंधी सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जैसे नाबार्ड की स्थापना भी हो गई है। बिक्री में सुधार करना। कृषि
वस्तुओं की बिक्री में सुधार मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत दिलवाना होता है। नियमित मंडियां निर्माण करना, न्यूनतम समर्थन कीमत निर्माण करना, सहकारी बिक्री समितियां निर्माण करना। सहकारी बिक्री समितियों की स्थापना भी कृषि बिक्री में सुधार करने के लिए की जा चुकी है। ये समितियां अपने सदस्यों की उपज उचित कीमत पर बेचती है और अपने सदस्यों को उपज की ग्रेडिंग का प्रबंध भी करती है। ये समितियां भंडार एवं गोदाम की सुविधाएं भी प्रदान करती है। एकल बाजार, सिंगल मार्केट, कृषि में अभी भी विद्यमान विभिन्न नियंत्रणों एवं प्रबंधकों को हटाने के